नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूँ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग वज्र है, रात 9 बजे तक आगे सिद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ बिल्कुल भी नहीं है। कोई अच्छा कार्य करने वाले थे, कोई रिश्ते की बात चला रहे थे या बिजनेस शुरू कर रहे थे, आज का दिन उसके लिए नहीं बना है। करण कौलव है, सुबह 11:50 तक आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:24 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा ना करें, इसे टालने की कोशिश करें और बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें भगवती दुर्गा का स्मरण करें, क्योंकि राहु काल में जब भगवती दुर्गा का स्मरण करते हैं तो राहु काल योग कारक बन जाता है, आध्यात्मिक लाभ देता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:46 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बहुत ध्यान से इन्हें समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर 12:46 पे, फिर 1:41 दोपहर और फिर दोपहर बाद 3:31 और 4:26। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो आप यही करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो उसका परिहार करें। बहुत ही सरल परिहार है, पूर्व की ओर मुख करें, दर्पण में अपना खुद का मुख देखें और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये करें आप तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें अपने हृदय में, उनको अपने हृदय में स्थित माने और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो आपको दिशा शूल भी नहीं लगेगा, यात्रा बहुत ही सुरक्षित और शुभ रहेगी, कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी बाकी पूरे दिन की अपेक्षा जो एक अच्छा समय काल आएगा वो है दोपहर 2:10 से शाम 7:10 के बीच। कोई अच्छे एफर्ट्स करने वाले हैं तो इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों, सिंह है, सुबह 8:55 तक फिर आगे चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को लेन देन में रखनी होगी सावधानी, आज विवाद संभव है अपने व्यापारिक मामलों में। ऐसे वृष राशि के छात्र छात्राओं के लिए किसी शुभ सूचना वाला दिन है और मिथुन राशि वालों के लिए चिंता भरा रहेगा ये दिन, घर में अशांति झेलनी पड़ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए किसी पुराने मित्र से मिलने का दिन है ये और सिंह राशि के जातकों को होगा किसी निवेश से बड़ा लाभ। कन्या राशि के जातक रहेंगे आत्मविश्वास से परिपूर्ण और तुला राशि के जातकों को व्यर्थ की भागदौड़ बना देगी आज चिड़चिड़ा। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति सुधरती पाएंगे खुद की और धनु राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्वभाव की सौम्यता और धैर्य के लिए प्रशंसा पाएंगे। ऐसे ही मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नए नए अवसर। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से भरा रहेगा ये दिन, गले और आंखों की समस्याएं करेंगी परेशान। मीन राशि वालों को वैवाहिक जीवन में आ सकती है कुछ समस्याएं, संतुलन बनाए रखें। अब करते हैं बात आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र ये कहता है कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, वृद्धस्य तरुणी विषम। अब इसे समझिए कितनी गहरी बात है कि किस चीज़ के लिए क्या विष बन जाता है। जैसे कि विद्या का अगर बार बार अभ्यास ना किया जाए तो उस शास्त्र पर से, उस कला पर से, उस विद्या पर से हमारी पकड़ समाप्त हो जाती है और ऐसे में वो विद्या हमारे लिए विष के समान हो जाती है, क्योंकि आप कहीं पर भी आपको उस विद्या में अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसे ही जब अपच का रोग हो जाए, यानी इंडाइजेशन हो रखी हो, तो उस वक्त अगर आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो भोजन आपके लिए विष के समान होगा। ऐसे ही गरीब व्यक्ति के लिए गोष्ठी यानी सभा, यानी जहाँ गैदरिंग होती है, वहाँ वो विष के समान होती है, क्योंकि सभा में उसके वस्त्रादि से, उसके आभूषणों से उसकी आर्थिक स्तर का आकलन कर लिया जाएगा और उससे अपमानजनक भाषा में बात की जाएगी। ऐसे ही कोई वृद्ध यदि किसी युवा स्त्री से विवाह कर लेता है तो वो तरुणी उसके लिए विष के समान होती है, क्योंकि बेमेल के विवाह रिश्तों में आगे जाके छल का कारण बनते हैं।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी विद्या का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, आहार विहार संबंधित आचरण उचित रखना चाहिए, सिद्धांतों पर चलते रहना चाहिए, तो जीवन सुखी रहता है, समृद्धि बनी रहती है और जीवन में समस्याएं नहीं आती। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज दोपहर 1:36 से 2:20 के बीच छोटे छोटे बच्चों में दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बांटें। साथ ही शाम 8:45 के वक्त भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और गौ माता का शुद्ध 1.25 किलो घी अखंड ज्योति के लिए अर्पित करके आएं और फिर वहां बैठकर 21 माला लघु मृत्युंजय जो कि है ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, इस मंत्र का 21 माला का जाप करें और भगवान मृत्युंजय महादेव से अपने सुखी स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुखी, सुंदर और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन्हें भी आर्थिक समस्याएं परेशान किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे उपायों से आप बहुत बड़ी राहत पा सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उपाय है कि आप करीब 9:30 से 10:12 के बीच अभी सुबह शिवालय जाएं और दूध मिले हुए गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और उसके बाद में शुद्ध गौघृत यानी गौ माता के शुद्ध घी द्वारा शिवलिंग पर 5 बार ओम की आकृति बनाएं। ये आपको अनामिका की उंगली से बनानी है, ओम की आकृति बनाएं, 5 बार बनाएं और फिर एक माला ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, इसकी एक माला का आप जाप करें और फिर 11 पाठ दारिद्र दहन स्तोत्र का करें। और अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सुन लें। इसके बाद में जब आप वापस अपने घर जा रहे हों तो जो भी पहला जीव आपको याचक अवस्था में मिले, वो चाहे श्वान हो, गौमाता हो, भूखे पक्षी हो या कोई निर्धन हो, कोई जरूरतमंद हो, तो उसको तृप्त हो जाए इतना भोजन आप करवाएं। इसके साथ साथ रात्रि में इसी मंदिर में करीब 10 बजे 6 बड़े दीपक मीठे तेल के लेके जाएं और 5 दीपक तो आपको जलाने हैं शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी के नाम पर, और 1 दीपक आप कुबेर महाराज के नाम से प्रज्वलित करें और उसके बाद में वहीं बैठकर ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय, ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय की 5 माला का जाप करें। इस प्रकार ये जो दिन भर की आप पूजा पद्धति करेंगे, इससे भगवान शिव जी की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होगी, बहुत ही सहजता से आपकी भाग्य के द्वार भी खुलेंगे और सारी समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, जिन्हें ये बताया गया हो कि उन पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पितृदोष है या जिन्हें ऐसा स्वयं भी महसूस होता हो कि उनके कोई जो अपने इस दुनिया से जा चुके हैं उनको शांति नहीं मिली है, बार बार सपने के माध्यम से वो अपनी पीड़ा बताते हैं, तो आज उनके निमित्त भी आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि 125 ग्राम जौ, 125 ग्राम काले तिल और 125 ग्राम अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, इनको मिला लें कच्चे दूध और गंगा जल में, इनको आपको मिलाना है। दूध मिला हुआ ये जो जल है ये कम से कम 1.5 लीटर होना चाहिए। इसके बाद में भगवान गणेश जी की सबसे पहले पंचोपचार से पूजा करें और ओम गणाधिपते नमः, ओम गणाधिपते नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप करें और उनसे पितृगणों की शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान गणेश गणों के अधिपति और पितृगण हुआ करते हैं। उसके बाद में ओम पितृभ्यो नमः शिवाय ओम, ओम पितृभ्यो नमः शिवाय ओम, इस मंत्र के सतत जाप के साथ दूध जल में मिले हुए जो जौ, तिल और अक्षत हैं वो शिवलिंग पर लगातार अर्पित करते जाएं। अंत में श्वेत कनेर या मोगरे के फूलों से शिवजी का श्रृंगार करें। इस प्रकार के पूजन से आपके पितृगण तृप्त होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको अमोघ आशीर्वाद देके और आगे की गति पाएंगे बहुत ही शांत मन से, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे और सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है चूरू से हमारे दर्शक रमेश कुमार जी की और 30 अप्रैल सन 2004 का इनका जन्म है। जन्म उदयपुर में हुआ, 6:54 सुबह। प्रश्न है कि क्या रोजगार होगा, क्या काम धंधा होगा। रमेश जी, आपके भोजन से संबंधित काम होना चाहिए, जैसे होटल मैनेजमेंट या शेफ बनने के योग हैं, यानी आप कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो शिक्षा
या फिर भाषा संबंधित यानी लैंग्वेज संबंधित कार्य का हो, जैसे अनुवादक का काम। आपके विदेश बसने के बहुत ही प्रबल योग हैं, लेकिन आपके जीवन में या आपकी जन्म पत्रिका में शुभ फल प्राप्ति के लिए कुछ उपाय भी आपको बहुत जरूरी है करने, जैसे कि गले में एक पन्ना पहन लीजिए और बुध के 7 गुना जाप आप करवा लीजिए। साथ ही आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र राहु ग्रहण का एक दोष है, उसकी निवृत्ति के लिए एक रुद्राभिषेक भी अवश्य करवाइए। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर भी आएंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हमारी आज की दूसरी जन्म पत्रिका है अमित गुप्ता जी की। 21 नवंबर 1973 इनका जन्म है और 7:09 का इनका समय है। काठमांडू नेपाल में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जो प्रश्न किया है वो है कि परेशानियां जीवन से कब समाप्त होगी। देखिए अमित जी, अष्टम भाव में आपके पाप पीड़ित शनि बैठे हैं और केतु हैं, और इनकी जो दशा है यानी शनि की दशा और केतु की अंतरदशा है, इसकी वजह से आपके जीवन में पीड़ाएं बढ़ रही है। ये दशा आपके अगस्त सितंबर 2021 से शुरू हुई थी और अक्टूबर 2022 आते आते तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। अभी आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक पुखराज और एक मोती की अंगूठी आप पहन लीजिए और भगवान शिव जी की पूजा नित्य करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ आप ओम होम जूम सह, ये लघु मृत्युंजय है, ओम होम जूम सह इस मंत्र की 4 माला का रोजाना जाप कीजिए। काले तिल और काले उड़द का दान करें और संभव हो तो शनि केतु की शांति और गुरु चंद्र के जाप करवा लीजिए। गले में एक लाल धागा भी पहने, क्योंकि लग्न का मालिक मंगल भी आपके 6ठे भाव में जाके बैठा है, जिससे आपको दृष्टि दोष यानी नज़र बहुत लगती है। ये बताए हुए उपाय अगर आप कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे और धीरे धीरे आपका जो समय सुधरेगा उसका आप आनंद भी ले पाएंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और जो सत्संग हमने किया, जो ज्ञान चर्चा हमने की, उसे अपने जीवन में उतार के जीवन को सुखी समृद्ध और भगवतमय बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहाँ पर आप आराम हर रोज ओरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और रीडिंग करके जानते हैं कि हम आज क्या करें और किन बातों को करने से बचें। कौन सी रीडिंग होगी आपके लिए, कौन सा होगा आपका मूलांक? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 मई 2023, और आज की जो तारीख है 29 उसको हम जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 11, और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 2। तो आज की तारीख के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा, जो कि हमारे मन के कारक हैं, और जिनका तत्व जो है वो है जल। तो कुल मिला के हमारी मानसिक और हमारी भावनात्मक परिस्थिति को चंद्रमा बहुत ही अच्छे से प्रभावित करते हैं। तो आज के एपिसोड में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर मून का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है इजी डज इट, उन्हा डिवाइन मदर का कार्ड है, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी कार्य में अपनी हड़बड़ी ना दिखाएं। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। कहीं ना कहीं जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं या कागजात से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है तो उसको रीचेक करके ही करें, बिना सोचे समझे। ना तो किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कमिटमेंट करें और ना ही किसी कागजात के साथ उसके रूल्स को फॉलो करें। कोई भी कंडीशंस को हाँ करने से पहले, कहीं साइन करने से पहले बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई व्यक्ति आए हैं, कोई नया रिलेशनशिप आज आपकी लाइफ में आया है, तो उसके ऊपर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, मतलब थोड़ा सा वेट करें, ठीक है? थोड़ा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आज का दिन जितना शांतिपूर्ण तरीके से बिताएंगे
ऑब्जर्व करते हुए बिताएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारी माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं। आज मूलांक दो के लिए 29 मई 2023 के लिए, और आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी आता है नंबर दो, और मूलांक दो की ही हम बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है फर्टिलिटी का कार्ड है, उस तारा माँ का कार्ड है, और आपको कह रही हैं कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप काफ़ी दिनों से जो है इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो बिना देर किए आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें और आप इस कार्य में आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि मूलांक दो के जातकों के वो लोग जो हमारे कृषि भाई हैं उनका भी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कृषि से संबंधित कार्यों के लिए, अनाज से संबंधित कार्यों के लिए, बीजों के कार्य के लिए जो भी लोग कार्य कर रहे हैं आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ नेचर से कनेक्टेड जो लोग हैं उनका भी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए, और मूलांक तीन के लिए हमसे कहा जा रहा है, बोल्ड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जहां पर रिस्क टेकिंग फैक्टर आपके समक्ष होगा। आप रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसा कार्य आप ऐसा कर सकते हैं जहां पर आपको उम्मीद भी ना हो कि यहां मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आज कितना बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, पूरे बोल्डली आपको आगे बढ़ना होगा। आप किसी दूसरे पर भरोसा करके रिस्क ना लें, अपने दम पर लें, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी चादर है उतना पैर अवश्य पसारे, वो भी पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन दूसरों पर आश्रित होकर नहीं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखकर नहीं, बल्कि जितना खुद से कर सकते हैं तो आप रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए, और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, जो भी चैलेंज, जो भी कोई परेशानी, जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ओवरथिंकिंग होती दिखाई दे रही है, कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, कोई द्वार नज़र नहीं आ रहा हो, ऐसा फंसा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को सौंप दीजिए परमात्मा को, पूरी तरह से डिवाइन को अपने आप को सौंप दीजिए। और जब हम समर्पित करते हैं परमात्मा को तो उस वक्त हम अपनी जो चिंता होती है ना उसको भी समर्पित कर देते हैं। अब ये उनके हाथ में है, अब आपके हाथ में परिस्थिति नहीं है, अब ये उनके हाथ में है। और जब आप परमात्मा पर यकीन करते हैं तो यकीन मानिए आपका भरोसा वो कभी टूटने नहीं देते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए, और मूलांक पांच के लिए कहा जा रहा है हाई प्रिसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि मूलांक पांच के जो जातक हैं वो अपनी डिवाइन एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आज के दिन जो भी कुछ आपको आता होगा आप देखेंगे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग आपसे जानना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान आज मिलने वाला है। लेकिन ये तभी होगा कि जो भी कुछ आप जानते हैं उसे निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ शेयर करें। अगर ऐसी कोई चीज है जहां पर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अगर कोई डिप्रेशन में है आप उससे बात करके उसको उससे बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा कोई भी काम करने में आपको पीछे नहीं हटना है। और आप देखेंगे कि जिन चीजों की जानकारी आपने इस जन्म में किसी पुस्तक से, किसी व्यक्ति से नहीं ली, ऑटोमेटिकली आपके भीतर से वो निकलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी विजडम है, और आपकी विजडम आज आपको सफलता दिलाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक छह के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए, और मूलांक छह के लिए हमसे कहा जा रहा है
अनडाइंग लव का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस इस धरती पर एक बहुत अच्छे कार्य के लिए है। और वो कार्य क्या है कि आपका जो अपना स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, उसमें रहते हुए आपको लोगों को प्रेम और करुणा को बांटना है। किस तरह से कि जो भी कोई आप काम करें, आप किसी के साथ भी संवाद करें, फिर आपके चाहे ऑफिस का वर्क हो, आपका चाहे घर का वर्क हो, विशेष तौर पर जो आपसे डाउन पोजीशन पर हैं किसी भी तरह से, आपके पद से या फाइनेंशियली स्पेशली देखा जाता है कि आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वही व्यवहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको सबके साथ, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अपने ईगो को बिल्कुल भी आड़े ना आने दें, लव और कंपैशन के साथ ही सबके साथ बिहेव करें, लव और कंपैशन के साथ ही आप सारे काम करें। अगर आप ऐसा लव कंपैशन में करेंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार से आपको उसका जो है रिजल्ट, आपको उसका ब्लेसिंग्स मिलती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने ईगो को एक तरफ करके, अपने एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक तरफ करके सबके साथ लव और कंपैशन का बिहेव करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है इनर विजडम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आपको काम करना है, जो भी कोई प्रोजेक्ट आपको करना है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी कार्यों को आगे बढ़ाना है, कुछ नया करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों पर या रिश्तेदारों पर आप आश्रित आज ना हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके अंदर सब कुछ प्लानिंग है, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समय अपने आप को दें, मेडिटेशन करें या अपने दिल की सुने, जो भी करें अपनी ही आवाज़ को आपको आज फॉलो करना है, अपनी इनर विजडम से काम करें। जो भी कोई आपको डिसीजन लेने हैं उसको भी अपने आप से लें, दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारी माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 29 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। कहा जा रहा है जिंदगी की दौड़ भाग में आज आपको थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना चाहिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को संवारने के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, खुद पर फोकस करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए आज थोड़ा सा शांत हो जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें और उसके बाद एक नई यात्रा के लिए आरंभ करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, धन धान्य से संपूर्ण आज आप होने वाले हैं। अगर कहीं आपका धन अटका हुआ है, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, तो वो भी आज बड़े ही चमत्कारिक ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है और साथ ही साथ धन लाभ होने के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके समक्ष आ सकती हैं। कुल मिला के आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें और वित्तीय संबंधी मामलों में आज सारे काम निपटा लें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।